फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा भारत रसोई चैनल पर फिर से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने दर्शकों के लिए छोले भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही कॉमन रेसिपी है। इस रेसिपी में खास बात यह है कि मैं भटूरे जो बनाऊंगी वो गेहूँ के आटे से, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और चलिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, चलिए स्टार्ट करती हूँ बनाना। सबसे पहले ये छोले को जो है बॉयल कर लूँगी और ये 6 घंटा के लिए मैं फूलने के लिए दे दिए थे, 6 घंटा तक ये फुला लिए हैं काबली चना को। और इसको अच्छे तरीके से धो लिए हैं और एक गिलास पानी डाल दिए हैं छोले में और इसे आप बॉयल कर ले। तो चलिए इनर ऑन कर दे रहे हैं और 2 सीटियां आने तक आप इसे बॉयल कर ले छोले को। और छोले में आपको कुछ नहीं डालना है, ना मीठा सोडा डाले, ना नमक डाले, कुछ नहीं डाले। आप इसी तरह से बॉयल करें, आपका छोला बहुत अच्छा बनेगा। और छोले के साथ आप 2 आलू भी बॉयल कर सकते हैं। तो मैं पहले से ही बॉयल कर चुकी हूँ आलू को, इसलिए मैं आलू नहीं डाली। अगर आपको आलू डालना है तो आप उस छोले के साथ ही आलू डाल दें। आइए हम लोग अब भटूरे का तैयारी कर ले रहे हैं। तो बस आइए जान लेते हैं हम लोग भटूरे के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 200 ग्राम गेहूं का आटा है, इसे आप एक बर्तन में निकाल लीजिए। और ये 50 ग्राम सूजी है, इसे भी आप डाल दें आटा के साथ। और इसे आप एक गड्ढा की तरह बना लें इस तरह से। और आटा सूजी के साथ आप स्वाद अनुसार नमक डाल लें, 1 चम्मच चीनी डालें, 2 चुटकी आप मीठा सोडा डाल दें, 2 चम्मच आप रिफाइंड ऑयल डाल दें। रिफाइंड ऑयल डालने से आपका भटूरा जो है थोड़ा सा खस्ता बनेगा। सारे सामग्री को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, सारे सामग्री को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें आप ये घर का ताजा दही है और इसे आप दही के साथ गूंथ लें। अपने आटे सूजी के हिसाब से दही डालें और दही के साथ ही आटा को गूंथना है। और भटूरे के आटा में आपको पानी नहीं डालना है, पानी से ना गूंथे, नहीं तो आपका रेसिपी खराब भी हो सकता है। तो आप दही के साथ ही आटा को गूंथे। तो चलिए आटा को पहले गूंथ ले रहे हैं और आप अच्छे तरीके से डो बना लें। और 200 ग्राम फ्रेंड्स दही भी था और सारा दही लग चुका है। और बहुत अच्छे से आटा को गूंदना पड़ता है, तभी आपका जो भटूरे है वो अच्छा बनेगा। तो भटूरा बनाने के लिए आटा को इस तरह से थोड़ा मेहनत लगता है आटा गूंदने में, तो आप अच्छे तरीके से आटा को गूंद लें। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आटा गूंथने में हमें थोड़ा मैं थक भी गई हूँ आटा गूंदने में। और आटा को अच्छे तरीके से गूंद लिए हैं, इसमें आप 2 चम्मच अब रिफाइंड ऑयल डाल दें। आप देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से डो को तैयार कर चुकी हूँ। और इस तरह से मतलब ये ज़्यादा गीला भी नहीं है आटा। और इसमें आप 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दें। और अच्छे तरीके से आटा में मिक्स कर लें रिफाइंड ऑयल को। और अच्छे तरीके से रिफाइंड ऑयल इस डो में, ये आटा का डो में अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। और आप इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने दें। तो चलिए इसको ढक कर रख दे रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग मसाले का तैयारी कर ले रहे हैं, छोले का मसाला का। मसाले में फ्रेंड्स ये धनिया और जीरा, काली मिर्च, ये तीनों को मिक्स किया हुआ है, तीनों मिक्स किया हुआ है। ये 2 चम्मच के लगभग है ये धनिया, जीरा, काली मिर्च। और ये 3 बड़े साइज का प्याज है और 1 बड़े साइज का टमाटर। और ये थोड़ा सा लहसुन अदरक और ये धनिया, जीरा, काली मिर्च जो है फ्रेंड्स, और इसमें ये अदरक लहसुन मिला देंगे। इसका पेस्ट जो है अलग तैयार करना होगा,
इसको अलग से पीस के रख लेंगे इसका पेस्ट बनाकर। और ये टमाटर प्याज जो है इसका भी, ये सारे प्याज टमाटर का पेस्ट बनाना है तो इसको भी अलग से पेस्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैं सारे सामग्री का पेस्ट बना चुकी हूँ। ये धनिया, जीरा, काली मिर्च, लहसुन अदरक का ये पेस्ट है और ये टमाटर प्याज का पेस्ट है। तो धनिया, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट में, ये लहसुन अदरक का पेस्ट में जो ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे मसाले में। 2 सीटी आने तक ये छोले को बॉयल कर लिए हैं और कुकर का सीटी का प्रेशर भी निकाल दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा चना बॉयल हुआ कि नहीं हुआ। तो चना बॉयल हो चुका है और ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। ये देखिए इस तरह से आप अच्छे तरीके से चना को बॉयल करें। आइए छोला बनाना स्टार्ट करते हैं और ईंधन पर एक कढ़ाई चढ़ा दें। कढ़ाई को गर्म होने के बाद इसमें आप सरसों तेल डालें, आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, मैं सरसों तेल से बना रही हूँ। तो सरसों तेल जो है आप आवश्यकता अनुसार डालें। तेल गर्म होने के बाद आप 2 इलायची ये टुकड़ा कर इलायची डालें और ये दालचीनी है थोड़ा सा, इसको आप डाल दें। थोड़ी सी जीरा डालें, 1 पिंच आप हींग डालें और सारे सामग्री को आप गोल्डन होने तक पकने दें। सारे सामग्री जो है गोल्डन हो चुका है, इसमें आप टमाटर प्याज का पेस्ट डाल दें और अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर लें। और 3 मिनट तक ये टमाटर प्याज का जो पेस्ट है इसे आप 3 मिनट तक भून लें। 3 मिनट तक भून चुकी हूँ फ्रेंड्स और ये प्याज टमाटर का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें अब ये वाला जो मसाला था धनिया जीरा वाला, इसको भी डाल देंगे। 1 बड़ी चम्मच छोला मसाला डाल दें और सारे मसाले को आप अच्छे तरीके से भून लें। जब मसाले से थोड़ा तेल छूटने लगे तो आप समझ जाइए कि मसाला अच्छे तरीके से भुना गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मसाला को भून ले रहे हैं अच्छे तरीके से। और मसाले को अच्छे तरीके से भून चुकी हूँ फ्रेंड्स और आप देख सकते हैं कितना अच्छा से मसाला भुना गया है इसमें अब। और ये 3 आलू जो बॉयल किया हुआ था इसे आप हाथों से इस तरह से टुकड़ों में कर लें और डाल दें मसाले के साथ। आलू को मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और आलू को मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ और ये जो बॉयल किया हुआ छोला था इसको भी आप डाल दें मसाले के साथ। और सारे छोले को डाल चुकी हूँ और आप इसे 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लें छोले को और आलू को। तो चलिए 2 मिनट तक भून ले रहे हैं और 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिए हैं छोले को। और इसमें आप आवश्यकता अनुसार पानी डालें, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। मोटा ग्रेवी चाहिए तो कम पानी डालें, पतला ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालें। छोले में आप पानी डाल रहे हैं और पानी डालने के बाद आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डालें और नमक डाल दिए हैं, इसे आप ढक दें 2 मिनट के लिए जो कि आपका छोला में बॉयल आ जाए अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आप ढक दें 2 मिनट तक। छोला बन चुका है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। छोला बनकर तैयार है और ये देखिए कितना मतलब लाजवाब छोला बना है। अब आप इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दें और ईंधन को आप बंद कर दें, ढक दें। और चलिए अब भटूरा का तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग भटूरा बनाते हैं। तो भटूरा के लिए मैं रिफाइंड ऑयल 1 कढ़ाई में गर्म होने दे चुकी हूँ
और डो भी एक घंटा हो चुका है। ये जो डो बना के रखी थी भटूरा के लिए, और इसको एक बार आप मसल लें अच्छे तरीके से। और ये देखिए कितना मुलायम हो गया है, ये देखिए कितना मुलायम हो गया है आटा। और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। आप एक टुकड़ों में काट लें, एक लोई जो एक रोटी का होता है, रोटी या पूड़ी का होता है, तो इतना बड़ा लोई मैं काट चुकी हूँ। और इसे आप पेड़ा के जैसा बना लें, और चकला पे आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लें, और इसे आप बेल दें। तो चलिए बेल ले रहे हैं। और भटूरे को भी बेल चुकी हूँ, और रिफाइंड ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए रिफाइंड ऑयल भी गर्म हो चुका है, इसमें आप भटूरे को डाल दें। और एक तरफ आप पकने दें, और ये देखिए कितना अच्छा फूला है। ये गेहूं का आटा का बना हुआ फ्रेंड्स भटूरा है। इस तरह से आप घर पर बनाकर खाइए, और सेहत को भी आप ठीक रखिए। और इसे आप पलट दें, और दूसरे तरफ भी आप थोड़ा पकने दें, गोल्डन होने दें। और ये लाजवाब गेहूं का आटा का भटूरा बनकर तैयार है। एक भटूरा हम लोग का बनकर तैयार है। इसी तरह से आप सारे भटूरे को तैयार कर लें। तो चलिए मैं एक और बना ले रही हूँ, और मैं ये दूसरा भटूरा डाल रही हूँ तेल में तलने के लिए। इस तरह से आप कलछी को हिलाते रहें, तभी आपका भटूरा जो है फूलेगा। और ये देखिए कितना अच्छा से फूल गया है फ्रेंड्स। और इसको आप पलट दें, और ये फूला फूला भटूरा बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरह से आप सारे भटूरे को बनाकर तैयार कर लें, और घर का ही शुद्ध बना हुआ खाएं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से ये भटूरा फूल चुका है। ये शुद्ध गेहूं का आटा और सूजी से बना हुआ है, और ये पहला भटूरा था फ्रेंड्स। तेल उस समय गर्म नहीं हुआ था, मैं डाल दी थी, इसीलिए गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसे भी खा लेंगे। और ये देखिए भटूरा फूला फूला, और मेरी बेटी चखेगी इसे। बेटा आप टेस्ट करके बताइए फ्रेंड्स को कि छोला भटूरा कैसा बना है। और मैं क्लोजिंग कमेंट अपने हस्बैंड को दे रही हूँ माय फ्रेंड्स, और वही बताएंगे कि किस तरह से मैं बनाई हूँ। मम्मी ये तो बहुत टेस्टी बना है। तो सुनिए फ्रेंड्स, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, बहुत टेस्टी बना भी है। हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूँ उसके बारे में। एक्चुअली भटूरा एक्चुअली जो भी आप खाते हैं मार्केट में, जो भी मिलता है वो मैदा से बनी होती है। और आपको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैदा जो है आटे का ही एक रूप है, लेकिन उसमें फाइबर नहीं होता है। और इसलिए मैंने सोचा कि दर्शकों के लिए क्यों ना छोला भटूरा की हम लोग रेसिपी बनाएं जो कि आटे की बनी हो, जिससे कि हमारे दर्शकों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और उन्हें छोला भटूरा जैसी फेमस रेसिपी भी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाकर ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि मैं इस तरह की जो भी नई रेसिपी डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने सभी फ्रेंड्स को बाय, सभी फ्रेंड्स को बाय बोल दो।
हाय फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा भारत रसोई चैनल पर अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कढ़ी बड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ और कढ़ी बड़ी के साथ मैं ये आलू का ये पकौड़ी बनाऊँगी, आलू का बचका जो बोलते हैं, और ये बैंगन का जुक्का है, और ये कद्दू है, और ये कद्दू का भी पकौड़ा बनाऊँगी। तो ये तीनों चीज़ जो है मैं काट चुकी हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं पहले ही इसे काट चुकी हूँ, आप भी इस तरह से काट लें। और कढ़ी बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार कर ले रहे हैं। तो मसाले में ये सारा साबुत है, ये मेथी दाना है, ये धनिया, जीरा, काली मिर्च और ये लाल मिर्च है। लाल मिर्च आपको देना हो तो आप मसाला में यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप हटा सकते हैं। और ये दो तीन तेज़पत्ता है, और ये चार पाँच इलायची है, हरी इलायची, और ये चार पाँच लौंग है, और थोड़ी सी दालचीनी है। और ये सारे मसाले को आप सबसे पहले रोस्ट कर लीजिए एक पैन में। तो चलिए सबसे पहले रोस्ट कर ले रहे हैं मसाले को। और मसाले को रोस्ट कर चुकी हूँ और इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिए मसाले को। और ये सारे मसाले को आप ठंडा होने दीजिए। और मसाला ठंडा हो चुका है, अब आप इसे एक मिक्सी के जार में डाल ले सारे मसाले को और ड्राई पीस ले। तो चलिए मैं पीस ले रही हूँ। और मसाला को पीस चुकी हूँ और ये देखिए कितना महीन मसाला बना है। इस तरह से आप भी पीस लें। और ये मसाला आप भुजिया, सब्जी, हर चीज़ में यूज कर सकते हैं, इतना मसाला तो लगेगा नहीं। अभी अधिक मसाला आप पीस लेते हैं तो आप एक डब्बा में भर कर रख दें और जब आप सब्जी बनाइएगा उसमें आप एक चम्मच, आधा चम्मच जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। और पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को निकाल लेते हैं। ये चना का शुद्ध बेसन है और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लें। एक चम्मच हल्दी और ये जो मसाला तैयार किए थे एक चम्मच आप मसाला डाल दीजिए, ये मिक्स मसाला जो है, और अच्छे से सारे सामग्री को आप मिक्स कर लें। और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं, इसमें अब आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बनाएं। और बेसन को घोल को अच्छे तरीके से फेंट चुकी हूँ, आप भी इसी तरह से फेंट लें। और आप पानी में डाल कर देखें बेसन को, बेसन का घोल को, और ये देखिए उबल गया है। तो आप समझ जाइए कि मेरा बेसन जो है, बेसन का घोल अच्छे तरीके से फेंटा गया है। और बेसन का घोल का जो ये कंसिस्टेंसी है इस तरह का रहना चाहिए, तभी आपका पकौड़ा फुला फुला बनेगा और अच्छा बनेगा। तो चलिए बेसन को फेंट लिए हैं। और ये आलू, लौकी, बैंगन जो है तीनों को आप अच्छे तरीके से दो तीन बार धो लें। और ये सारे बैंगन, लौकी, आलू को धो लिए हैं और इसे आप एक बर्तन में रख लीजिए। और इसमें आप ये सारे सब्जी में आप थोड़ा हल्दी डाल दें, स्वाद अनुसार नमक डालें। और नमक आप हिसाब से ही डालें क्योंकि वो बेसन का जो घोल बना है इसमें भी नमक डाले हैं, इसलिए नमक को आप मतलब हिसाब से ही डालें जो कि आपका नमक ज़्यादा नहीं हो पकौड़ी में। और सारे नमक हल्दी को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें जो कि सारे सब्जी में नमक और हल्दी का कोट लग जाए।
ईंधन पर एक कढ़ाई चढ़ाएं और कढ़ाई में आप सरसों का तेल डालें और तेल को आप गरम होने दें। तेल गरम हो चुका है तो चलिए सबसे पहले हम लोग पकौड़ी छान ले रहे हैं। तो ये आलू का है, सबसे पहले हम लोग आलू का पकौड़ी छान ले रहे हैं। तो सारे आलू को बेसन में डाल देंगे और एक एक आलू में आप इस तरह से बेसन को कोट कर लें, बेसन का घोल को। और आप कढ़ाई में डाल दें और ये देखिए हमारा आलू का पकौड़ा तला रहा है। और इसे आप पलट दें जब आपका एक तरफ पक जाए तो इस तरह से पलट लें। और ये सारे पकौड़े, ये आलू का पकौड़े जो है इसको तल लिए हैं और इसे आप एक बर्तन में निकाल के रख लीजिए। और ये देखिए कितना करंची और फुला फुला पकौड़ा बना है। तो बेसन को आप अच्छे तरीके से फेटेंगे तभी आपका पकौड़ा अच्छा बनेगा। इसी तरह से आप सारे आलू को, आलू का पकौड़े को छान लें। तो चलिए मैं छान ले रही हूँ। इसी तरह से आप सारे आलू का जो पकौड़ा है छान लें। और सारे आलू का पकौड़ा को छान लिए हैं। अब जो है लौकी का पकौड़ा छानेंगे। तो लौकी भी आप इसी तरह से बेसन में डाल दें और वही प्रोसेस है जैसे आलू का पकौड़ा छाने थे, और उसी तरह से आप लौकी का भी पकौड़ा छान लीजिए। तो चलिए बेसन में इस तरह से आप लपेट लें, कोट कर लें और कढ़ाई में आप इसी तरह से डाल दें इनका पकौड़ा, आप छान ले इसी तरह से सारे लौकी का पकौड़ा। और ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी का पकौड़ा भी बनने वाला है। और इसे आप उलट पुलट कर पकाएं जो कि आपका लौकी का पकौड़ा जो है करंची और जो अंदर का जो लौकी है वो अच्छे तरीके से पक जाए, जिससे कि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। इसीलिए आप पलट कर पकाएं। इस तरह से आप पलट दें, जब आपका एक तरफ पक जाए तब आप दूसरे तरफ पलटें। तो इसी तरह से आप पलट दें, इसे आप गोल्डन होने तक पका लें। और ये कद्दू का जो पकौड़ा है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसे आप घर पर बना के खाएं। और आप ये शाम का नाश्ता, सुबह का, ये दोपहर का खाना में भी खा सकते हैं। तो लौकी का पकौड़ा आप हर समय खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप खाना के ही साथ खाएं। और सारे लौकी का पकौड़ा छान चुकी हूँ फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी छान लें। और अब चलिए बैंगन का पकौड़ा बना रहे हैं। तो बैंगन का पकौड़ा में आप जब तक लहसुन नहीं दीजिएगा तो वो मतलब टेस्ट नहीं लगता है, बैंगन में लहसुन चाहिए। तो और ये लहसुन को मैं कूट के डाली हूँ, आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं बेसन का घोल में। तो चलिए ये लहसुन कूटा हुआ डाल दे रहे हैं और इसमें ये सारे बैंगन डाल दे रहे हैं। और बैंगन में भी आप अच्छे से बेसन का घोल का, जो बेसन का घोल है उसका कोट कर लें बैगन में। और इसी तरह से आप सारे बैगन में कोट कर लें और आप कढ़ाई में एक एक कर डालते जाएं। और इसी तरह से आप गोल्डन ब्राउन होने तक सारे बैगन को तल लें, जिस तरह से मैं ये कद्दू, ये लौकी और ये आलू का पकौड़ा बनाई हूँ उसी तरह से बैगन को भी बनाना है। और देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ पक चुका है और इसको आप पलट दें और दूसरे तरफ भी आप इसी तरह से पका लें, तभी आपका बैंगन जो है अच्छे तरीके से पक जाएगा। और इसी तरह से मैं सारे बैंगन को छान के आपको दिखा रही हूँ। और सारे पकौड़े को छान ली हूँ फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी पकौड़े छान लें। बचे हुए जो बेसन का घोल है इसमें आप थोड़ा और बेसन डाल दें। और ये कढ़ी के लिए बड़ी बनाना है तो चलिए कढ़ी का बड़ी भी बना ले रही हूँ। बेसन में
आधा चम्मच आप हल्दी डाल दें, स्वाद अनुसार नमक और इस और ये बेसन को भी आप फेंट लें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और कढ़ी बनाने वाले बेसन को भी अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं फ्रेंड्स, और आप इसी तरह से फेंट लीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह का रहना चाहिए, तभी आपका पकोड़ा फूला फूला बनेगा। और इसमें जो ये मसाला बना के रखे थे, ये मसाला का पाउडर आप डाल दीजिए एक चम्मच, और मसाले को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और ये गरम तेल में आप छोटा छोटा बड़ी के जैसा बना लीजिए। इसी तरह से आप भी बड़ी बना लें। और एक तरफ पक चुका है फ्रेंड्स, और इसे आप पलट दें। और पलट के भी पकाएं, जिससे कि आपका बड़ी में कच्चापन नहीं रहे। और इसी तरह से आप सारे बड़ी को छान लें। और कढ़ी के लिए बड़ी भी छान ली हूँ फ्रेंड्स, और ये देखिए बड़ी कितना फुला फुला बना है, अंदर से पूरा स्पॉन्जी बड़ी है। और कढ़ी बनाने के लिए आप एक मिक्सी के जार में 4 चम्मच दही ले लें, और दही में आप 2 चम्मच बेसन डाल दें और अच्छे तरीके से फेंट लें इसे एक मिक्सी के जार में। तो चलिए दही और बेसन को फेंट ले रहे हैं। दही और बेसन को अच्छे तरीके से फेंट लें। बेसन दही को भी अच्छे तरीके से फेंट ली है, और ये देखिए अच्छे तरीके से फेंटा गया है। और इस बॉल में ही आप डाल लें, ये बेसन वाला बॉल में जो जिसमें मैं बेसन का घोल बनाई थी, इसी में आप डाल दें और अच्छे तरीके से ये बॉल में जो बेसन लगा हुआ है इसे आप अच्छे तरीके से चारों तरफ से निकाल लें, और दही बेसन के साथ आप अच्छे तरीके से घोल दें। और बचे हुए तेल में आप थोड़ा जीरा डाल दें। जीरा जब आपकी पक जाए तो आप कढ़ी पत्ता डाल दें। और जीरा और कढ़ी पत्ता अच्छे तरीके से पक गया। अब जो ये घोल है दही बेसन का, इसे आप डाल दें। कढ़ी में आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें। आप 2 मिनट के लिए आप ढक्कन ढककर कढ़ी में उबाल आने दें। कढ़ी में बॉयल आ चुका है फ्रेंड्स। ये जो कढ़ी का बड़ी बना के रखे थे इसको आप डाल दें कढ़ी में, और कढ़ी बनकर तैयार है। अब आप ईंधन बंद कर दें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा कढ़ी, चावल और वो बैंगन का पकौड़ा, लौकी का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा बनकर तैयार है। अब आप इसे सर्व करें। और आप इस तरह से फ्रेंड्स घर पर बनाएं, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा कढ़ी और पकौड़ा और चावल कैसा बना है। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया कर हम मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय, धन्यवाद।